Captain Jack Connors, acting all right, had no need to stop. तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा अंडररेटेड लेजेंड के ऊपर ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है भाई लोग, जिसने ये प्रूफ करके दिखाया है कि लो एंड डिवाइस में भी हम अच्छा खासा क्वालिटी एडिटिंग कर सकते हैं पीसी प्लेयर्स जैसा, जिसने हार नहीं माना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत अभी भी वो कर रहा है पर इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। तो भाई लोग, मैं बात कर रहा हूँ TGR YRZ भाई का, जो एक अंडररेटेड लेजेंड है जिसने 2GB रैम के फ़ोन से हर एक अपना एडिटेड शॉर्ट वीडियो डाल के ये प्रूफ करके दिखाया है कि लो एंड डिवाइस में भी हम अच्छा खासा एडिटिंग कर सकते हैं। सो भाई लोग, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई जो भी बनाता है अपना एडिटिंग वीडियो, उसका खुद का कंटेंट रहता है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया रहता है। पिछले बार हमने निक्सी भाई के ऊपर भी ट्यूटोरियल लाया था, आपको याद होगा, वो भी एक अंडररेटेड लेजेंड था। तो इस बार मैं एक और अंडररेटेड लेजेंड के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है TGR YRZ। सो भाई लोग, भाई को सपोर्ट करना, एंड आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप लोग सीख सकते हो कैसे एक अंडररेटेड लेजेंड, एक लो एंड डिवाइस प्लेयर भी बहुत ही अच्छा एडिट कर सकता है ना भाई लोग। तो भाई लोग, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक केयरफुली अच्छे से वॉच करना। एंड भाई लोग, कोई भी चैनल पर न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं आप सभी का हेल्प करने के लिए। तो सब्सक्राइब करके हमारा भी हेल्प कर देना, हम लोग 100K के बहुत ही ज़्यादा करीब है भाई लोग। प्लीज़ गाइज, जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारा 100K कंप्लीट करवा दो। एंड भाई लोग, पिछले वीडियो में आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था, कमेंट्स टारगेट कंप्लीट कर दिया था, तो भाई लोग अभी जितना भी चैनल्स आपको दिख रहा है उन सभी को आज के इस वीडियो में शाउट आउट जाता है। सो भाई लोग, इनको सपोर्ट करना, इनको थोड़ा सब्सक्राइब करना, इनका कंटेंट चेकआउट करना, जिनको आज के वीडियो में मैंने शाउट आउट दिया है। और अगर आप भी चाहते हो आपका भी नाम मैं लूँ, आपका भी चैनल का नाम मैं दिखाऊँ अपने वीडियो में, तो आपको भी शाउट आउट मिलेगा गाइस। इस वीडियो में फिर से मैं 600 कमेंट्स का टारगेट दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो जल्दी से 600 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट करवा देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो। तो चलिए भाई लोग, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, सबसे पहले बताते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है। देखो भाई लोग, सबसे पहले तो आपको ये वाला मैप ओपन कर लेना है। इस वाले मैप का आपको कोड हमारे व्हाट्सअप चैनल के अंदर मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल को जाकर फॉलो कर लेना और रस्की भाई के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर देना, रस्की भाई को सपोर्ट करना। सो भाई लोग, अभी मैप को ओपन करने के बाद आपको जाना है, मैं यहाँ पर कपड़ा चेंज कर रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। ड्रेस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके मैं 4 नंबर चूज़ करूँगा, तो मेरा ये वाला कपड़ा आ जाएगा। मैं गाइस इसी वाले कपड़े के साथ बनाना चाहता हूँ। अभी गाइस मैं लोकेशन के ऊपर क्लिक करके टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। जो भी बंदे बोल रहे थे कि अपने टीममेट को नहीं मार सकते, देखो भाई मैं मार के दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों एक टीम में नहीं है, ठीक है। अगर आप टीम स्विच करोगे तो मार पाओगे अपने दोस्त को भी, ठीक है। सो भाई लोग, अभी बताते हैं आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। अभी भाई लोग, आपको थोड़ा दूर से इस तरीके से दौड़ कर आना है, एंड आपके दोस्त को बोलना है कि बाहर निकलने के लिए। जैसे ही निकलेगा वो आपको कुनाई नाइफ हाथ में लेना है, जो एम होगा वो आपके एनिमी के हेड के ऊपर होगा, ठीक है। हेड के ऊपर एम कर लेना धीरे धीरे, एंड आपको इनविजिबल हो जाना है इतना काम करने के बाद। एंड आपके दोस्त को बोलना है कि भाई ग्लू वॉल लगा दे, वो ग्लू वॉल लगा देगा। एंड आपको भाई, वो जैसे ही ग्लू वॉल लगाता है आपको जो है यहाँ पर कुनाई नाइफ जो है फेंक देना है कुछ इस टाइप से, जब तक ये ग्लू वॉल टूट ना जाए। अब जैसे ये ग्लू वॉल फूट गया, उसको बोलना कि भाई तू पीछे की तरफ ग्लू वॉल लगा, एंड उसको बोलना कि भाई मेरी तरफ जो है एम करके खड़ा हो जा। वो खड़ा हो जाएगा, आपको सिंपल सा कुनाई नाइफ फेंक के उसको मार देना है। ये रिकॉर्डिंग कर लेना है आपको, एंड इसके साथ कुछ और रिकॉर्डिंग लगेगा जो आपको करना होगा भाई। तो भाई लोग, इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर हैंगर में आ जाना है, एंड यहाँ पर गाइज आपको ये वाला ग्रीन स्क्रीन का स्टेज मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाना। एंड यहाँ पर आके सबसे पहले तो गाइज आपका जो एनिमी बना था, मतलब जो आपका दोस्त था, उसको यहाँ पर खड़े होने के लिए बोलना है आपकी तरफ मुँह करके। एंड ऐसा 10 सेकेंड तक आप दोनों को खड़ा रहना है कुछ इस टाइप से, ठीक है भाई लोग। इसका ग्रीन स्क्रीन हमें जो है एडिटिंग में लगेगा, तो इस तरीके से खड़े होके ग्रीन स्क्रीन बना लेना। एंड अभी ये वाला ग्रीन स्क्रीन करने के बाद उसको बोलना है कि बाहर निकल,
वो बाहर जाएगा एंड आपको कुनाई नाई फेंक के एक ग्रीन स्क्रीन बनाना है और एक और बार आपको इमोट मारते हुए ग्रीन स्क्रीन बना लेना है, ठीक है भाई लोग। तो भाई लोग सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है आपको एंड यहाँ पर आपको आपका जो क्लिप है ऐड करने के बाद 9:16 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है एंड यहाँ पर सबसे पहला स्प्लिट लगेगा जहाँ पर हमारा कैरेक्टर दौड़ के आके खड़ा हो रहा है, ठीक है, स्प्लिट कर देना है। एंड भाई लोग नेक्स्ट स्प्लिट आपको लगाना है जहाँ पर कैरेक्टर हेड की तरफ एम जो है कर रहा है एंड मिडिल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। एंड भाई लोग इतना काम करने के बाद गाइज अभी यहाँ पर जहाँ पर से हमारा कैरेक्टर इनविजिबल हो रहा है उधर स्प्लिट लगा के यहाँ पर बीच का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देना है। एंड अभी भाई लोग यहाँ पर जब हमारा एनिमी ग्लूअल लगाएगा उस वाले पार्ट में जो है स्प्लिट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है जहाँ पर ग्लूअल को फोड़ा हमने वो वाला पार्ट भी हम लोग स्प्लिट करके डिलीट करेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ पर हमारा एनिमी इस तरीके से खड़ा हुआ था उस वाले पार्ट में जाके हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद इसको अच्छे से जो है हम लोग इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे स्क्रीनशॉट को एंड जहां पर हमने फाइनली कैरेक्टर को हेड मारा था उधर जाके स्प्लिट करेंगे एंड मिडिल का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बनेगा हमारा जो एक्स्ट्रा क्लिप्स है उन सभी क्लिप्स को हमें कर देना है डिलीट। तो भाई लोग इस तरीके से देख सकते हो आपको डिलीट कर देना है जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बन रहा है उसको। एंड अभी भाई लोग जो हमारा पहला वाला पार्ट है वहां पर जाके आपको ऑटो एडजस्ट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन शार्पेन हाईलाइट शैडोज विग्नेट सभी को अच्छे से एडजस्ट कर देना है भाई लोग। यहां पर हम लोग एडजस्टमेंट अच्छे से करने के बाद अप्लाई टू ऑल क्लिप्स कर देंगे गाइस, ठीक है। तो आपको जल्दी से यहाँ पर ये अप्लाई टू ऑल क्लिप्स कर देना है एंड इतना काम करने के बाद भाई लोग देखो यहाँ पर। सो भाई लोग इतना काम करने के बाद अभी आपको बैक आना है टच रिटच एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसी स्क्रीनशॉट को हम लोग ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पर जो एनिमी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है एंड डायरेक्टली इस इमेज को पिक्सआर्ट के अंदर ऐड करेंगे। पिक्सआर्ट के अंदर ऐड करने के बाद सबसे पहले तो हमें इसको अच्छे से यहाँ पर क्रॉप कर लेना है एंड क्रॉप करने के बाद AI एनहेंस के ऊपर क्लिक कर देना है गाइस। जैसे आप लोग AI एनहेंस के ऊपर क्लिक करोगे भाई लोग यहाँ पर जो ब्लर है इमेज का वो रिड्यूस हो जाएगा एंड क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। एंड अभी इसको सेव करेंगे वापस से जाएंगे उसी पोजीशन में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग थे कैपकट में जहाँ पर हम लोग इनविजिबल हुए हैं एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वाला क्लिप भाई लोग जो हमने चाकू फेंकने वाला बनाया था ग्रीन स्क्रीन का उसी को हमें ऐड कर लेना है एंड यहाँ पर इसका जो है कटआउट में जाके क्रोमा की को एनेबल कर देना है। इंटेंसिटी को आप लोगों को 50 रख देना है, शेडो को आप लोगों को 100 रख देना है, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद इन दोनों को जो है अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है, ठीक है भाई लोग देख सकते हो। एंड इतना काम करने के बाद इसको पीछे की तरफ इस तरीके से खींच लेना है जहाँ पर से हम लोग गायब हो रहे हैं उधर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इसका कलर डिफरेंस देख पा रहे हो गाइस, तो क्या करेंगे एडजस्टमेंट में जाएंगे हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि दोनों जो हमारा ओरिजिनल वाला गेम का है और जो ग्रीन स्क्रीन है दोनों का मतलब कलर मैच कर जाए। देख सकते हो कलर मैच हो गया है हमारा। अभी भाई लोग इतना काम करने के बाद गाइस क्या करना है आपको देखो ध्यान से, जहाँ पर ये कैरेक्टर चाकू यहाँ पर फेंक दे रहा है वहाँ से स्प्लिट लगाना है एंड जहाँ पर ऐसे कैरेक्टर जो है दोनों हाथ फ्री होके खड़ा हुआ है उधर जाके स्प्लिट करेंगे, मिडिल का पार्ट डिलीट करेंगे एंड वो वाले पार्ट को आपको इस तरीके से आगे लेकर आना है गाइस, ठीक है। तो भाई लोग अभी इतना काम करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर ओवरले के अंदर, ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर ये कुनाई नाइफ वाला PNG आपको ऐड कर लेना है। जिनके पास कुनाई नाइफ नहीं है नॉर्मल चाकू वाला PNG भी मिल जाएगा, उससे भी ये वाला वीडियो बना सकते हो। तो भाई लोग इतना काम करने के बाद इसको ऐड करने के बाद जहाँ पर ये ऊपर स्प्लिट है वहाँ पर नीचे वाले चाकू में भी हमें स्प्लिट डाल देना, ठीक है भाई लोग। एंड यहाँ पर गाइस कुछ इस वाले पोजीशन में आपको अभी क्या करना है मैं बताता हूँ आपको गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाएंगे ये PNG को एंड इतना काम करने के बाद भाई लोग हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद गाइस इसको हमें जो है थोड़ा सा आगे लेकर जाके थोड़ा छोटा कर देना है, ठीक है भाई लोग। जहाँ पर हमारा ये कैरेक्टर ग्रीन स्क्रीन वाला चाकू फेंक रहा है वहाँ पर लेकर जाके छोटा कर देना है एंड यहाँ पर ऐसे ग्लू वॉल की तरफ हमें जो है इसको लेकर आना है, इस तरीके से दिखाना है, ठीक है भाई लोग। सो कुछ इस वाले पोजीशन में आ जाना है आपको एंड इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देना है,
ठीक है भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस वाले पोजीशन में स्प्लिट मार देना है आपको, एंड जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है उन सभी पार्ट को आपको डिलीट कर देना है ऊपर। एंड यहाँ पर गाइस ये चाकू वाले पीएनजी में आपको क्लिक कर देना है इस वाले पोजीशन से। तो भाई लोग अभी इतना काम करने के बाद हमें जो है एक और ग्रीन स्क्रीन ऐड करना होगा, ठीक है। तो भाई लोग ग्रीन स्क्रीन ऐड करने से पहले सारा पोजीशन वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं वो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने चाकू फेंक दिया यहाँ पर, एंड चाकू फेंकने के बाद यहाँ पर गाइस जहाँ से हमने फेंका है वहाँ पर जाके ये चाकू देख रहे हो यहाँ पर स्टैचू हो गया है। अभी गाइस यहाँ पर हमें ऐड कर देना है ग्लू वॉल घूमने वाला ग्रीन स्क्रीन, इसको ऐड करके इसका क्रोमा की इनेबल करके हम लोग जो है ग्रीन स्क्रीन जो है जो ग्रीन स्क्रीन है उसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। एंड अभी भाई लोग क्या करना है इसका लेयर वन कर देंगे हम लोग, ठीक है। एंड इसको थोड़ा आगे लेकर जाएंगे, पहला वाला जो यहाँ पर ग्लू वॉल है उसके साथ अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एंड भाई लोग देख रहे हो कलर मैच नहीं हो रहा है, फिर से सेम काम करना है हमको, इसका जो है एडजस्टमेंट ओपन करके इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन ये सब को अच्छे से हम लोग एडजस्ट करेंगे और हाईलाइट शैडोज को भी, ताकि जो हमारा क्लिप का ग्लू वॉल है उसके साथ ये ग्लू वॉल का जो हमने ग्रीन स्क्रीन ऐड किया है वो दोनों सेम से मैच कर जाए। शार्पन सभी को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एंड अच्छे से इसके साथ जो है हमें यहाँ पर जो है प्लेस कर देना है, ठीक है भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद भाई लोग आप देख सकते हो यहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट हो चुका है, जहाँ पर ये वाला स्प्लिट है वहाँ पर आके एक्स्ट्रा जो पार्ट है हमारा ग्लू वॉल का ग्रीन स्क्रीन का उसको हमें जो है ट्रिम कर लेना है कुछ इस टाइप से। सो भाई लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर ये वाला पोजिशन है जहाँ पर हमारा कैरेक्टर मर रहा है वहाँ पर हम लोग ग्लू वॉल के ग्रीन स्क्रीन को जो है छोटा करके यहाँ पर की फ्रेम कर देंगे, ताकि उसके साथ ये वाला हमारा ग्रीन स्क्रीन वाला ग्लू वॉल एडजस्ट हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर थोड़ा आपको की फ्रेमिंग भी करना होगा, स्टार्टिंग में जाके ग्लू वॉल के साइज़ को बड़ा करना है की फ्रेम करके, और एंडिंग में आके उसके साइज़ को ग्लू वॉल के साइज़ को छोटा कर देना है की फ्रेम करके। अभी भाई लोग ये चाकू वाला जो पीएनजी इसको एकदम पूरा खींच लेंगे यहाँ तक। एंड अभी गाइस क्या करना है ध्यान से देखो, इसी पोजीशन में जहाँ पर हमारा ये कैरेक्टर वाला ग्रीन स्क्रीन एंड हो रहा है वहाँ पर आपको ये एनिमी वाला जो हमने बनाया था ना उसको ऐड करके क्रॉप में जाना है, एंड एनिमी को यहाँ पर क्रॉप करके निकाल लेना है, ठीक है भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद इसको ऐड करने के बाद गाइस इसका जो है हम लोग ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे क्रोमा की में जाके, लेकिन उससे पहले हमें जाना है एडजस्टमेंट में, सारा एडजस्टमेंट आपको डन कर देना है, ठीक है। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन शार्पन हाईलाइट शैडोज सभी को अच्छे से एडजस्ट करके आपको डन कर देना है। एंड आपको अभी इसका जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हटा लेना है इसके ऑडियो को बंद करके, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन को हटा के इसके साथ जो है हमारा जो एनिमी था उसके साथ अच्छे से एडजस्टमेंट वगैरह करके मैच करवा दूंगा, ताकि बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि फेक है और हमने जो है ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगाया है, ऐसा ना लगे। तो अच्छे से एडजस्टमेंट यहाँ पर मैंने कर दिया है, एंड इसके साथ अभी साइज़ जो है अच्छे से एडजस्ट कर दूंगा दोनों का, ताकि बिल्कुल मैच हो जाए, ठीक है। एंड अभी इतना काम करने के बाद इसको आगे की तरफ लेकर जाऊंगा मैं, एकदम स्टार्टिंग में यहाँ से मैं रख दूंगा जहाँ से हमारा ग्लू वॉल घूमने वाला ग्रीन स्क्रीन हमने लगाया था, एंड वहाँ पे ही हमें एंड कर देना है इसका, स्प्लिट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है डिलीट कर लेंगे, ठीक है भाई लोग। सो भाई लोग इतना काम करने के बाद एनिमी ऐड होने के बाद भी एक प्रॉब्लम आएगा, जो कि जैसे ही ग्लू वॉल घूमेगा ये एनिमी ग्लू वॉल के ऊपर आ जाएगा, इसलिए जहाँ पर ग्लू वॉल घूम रहा है उधर जाके स्प्लिट करो, एंड यहाँ पर लेयर में जाओ, लेयर वन कर देना है, ठीक है। जैसे ही लेयर वन करोगे यहाँ पर एनिमी लेयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई लोग, कुछ इस टाइप से देख सकते हो। एंड बहुत ही अच्छे से हमारा ये काम हो जाएगा। अभी जहाँ पर हमारा कैरेक्टर का खड़ा होने वाला ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर लास्ट है, उधर हमें स्प्लिट करके बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग जो है डिलीट कर लेंगे, कॉपी कर दिया है मैंने, एंड कॉपी करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर लेंगे भाई लोग। एंड जैसे ही डिलीट करोगे यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के पोजीशन में आना है, एंड इस वाले पोजीशन पे आपको एक एविल लव वाला साउंड इफेक्ट मिलेगा, उसको आपको ऐड कर लेना है। साउंड इफेक्ट को आपको स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में दोनों ही जगह पर ऐड कर लेना है भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद साउंड इफेक्ट को अच्छे से ऐड करने के बाद अभी हमें बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड कर लेना है गाइस। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करने के बाद अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, एक साउंड इफेक्ट और मिलेगा, उसको भी आपको एंडिंग वाले पोजिशन में ऐड कर लेना है, जहाँ पर ये हमारा कैरेक्टर इमोट कर रहा है और मर रहा है एनिमी का कैरेक्टर, उधर ऐड मार के क्लिप को एक्सपोर्ट कर देना है। अभी भी क्लिप रेडी ही हुआ है, इस क्लिप को हमें ऐड करना होगा काइन मास्टर के अंदर। जैसे ही क्लिप एक्सपोर्ट होता है काइन मास्टर के अंदर ऐड करो, और जहां पर स्टॉप करके ये कैरेक्टर रोक रहा है सब कुछ
टाइम स्टॉप हो रहा है उधर स्प्लिट मारो, और जहाँ पर टाइम स्टॉप एंड हो रहा है उधर स्प्लिट मारना है। एंड बीच का जो पार्ट है वहाँ पर हमें इफेक्ट्स में जाना है, कलर आइसोलेशन चूज करके यहाँ पर हमें कलर आइसोलेशन के सेटिंग्स में जाना है, एंड वहाँ पर हमें येलो कलर चूज कर लेना है। एंड इसको हम लोग जो है अच्छे से इस तरीके से एनिमेशन दे देंगे एनिमेशन की के मदद से। एंड जो आउट एनिमेशन होगा वो होगा फेड आउट, इसका ड्यूरेशन होगा 0.5। एंड इतना काम करने के बाद भाई लोग फाइनली यहाँ पर हमारा क्लिप रेडी हो चुका है। क्लिप को एक्सपोर्ट करते हैं एंड आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। Stop!